पुरानी पेंशन बहाली नहीं हुई तो शिक्षक करेंगे आंदोलन। पुरानी पेंशन बहाली के उद्देश्य से शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु और प्रदेश अध्यक्ष परमानंद डहेरिया के मार्गदर्शन में 13 जनवरी 2022 को विकासखंड रामपुर बघेलान में रामबली सिंह ब्लॉक अध्यक्ष एनएमओपीएस रामपुर बघेलान की अगुवाई में एसडीएम रामपुर बघेलान को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें एनपीएस के स्थान पर ओपीएस बहाल कर 2005 के बाद प्रदेश के समस्त कर्मचारियों को प्रदान किया जाना सुनिश्चित करने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन पत्र सौंपा, जिसमें बताया कि भारत के अन्य राज्यों ने एनपीएस धारी मृत शासकीय सेवकों के परिवार को पेंशन नहीं मिल रही है और मध्य प्रदेश शासन के द्वारा ऐसा नहीं किया जा रहा है। वहीं मानव शुक्ला ने कहा कि भारत सरकार के एनपीएस में समय समय पर किए गए संशोधनों को मध्य प्रदेश शासन भी राज्य सेवकों के लिए केंद्रीय जारी अधिसूचना तिथि से जल्द आदेश जारी करे। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा दी जा रही एनपीएस के कर्मचारियों के साथ धोखा बताते हुए विजय कुमार वर्मा ने कहा कि 2005 के बाद नियुक्त कर्मचारियों का बुढ़ापे का सहारा ही खत्म कर दिया गया है। प्रकाश नारायण ताम्रकार ने बताया कि एनपीएस कर्मचारियों के लिए झुंझुना है जो बुढ़ापे का सहारा ही खत्म कर दिया है। ब्लॉक अध्यक्ष रामबली सिंह का कहना है कि यदि कर्मचारियों को ओपीएस नहीं देती तो आने वाले समय में आंदोलन किया जाएगा और कहा कि कर्मचारी 62 वर्ष की सेवा करने के बाद भी पेंशन का हकदार नहीं है, किंतु जो जनता को अपना सेवक बताते हैं उन्हें दो दो पेंशन मिल रही है, ये धोखा है। इस अवसर पर राजेश कुमार सोनी, प्रवेश सैन, सुनील कुमार सोनी, पंकज तिवारी, जयवीर सिंह, छोटेलाल साकेत, राम विलाप शर्मा, विनय कुमार त्रिपाठी के साथ तमाम लोग मौजूद थे। के साथ साथ हमारे मध्य प्रदेश के सभी तहसीलों में और जिला मुख्यालय में और देश के सभी स्थानों पर आज ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को एसडीएम महोदय के द्वारा दिया जा रहा है। और इसके बाद ये जो हमारा संघ है उसके हमारे अध्यक्ष हैं विजय कुमार बंधु जी, किस शिक्षा विभाग, ये संयुक्त कर्मचारी संघ का है लेकिन हम लोग शिक्षा विभाग से ही हैं। तो आगामी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं विजय कुमार बंधु, उनके मार्गदर्शन में निश्चित रूप से उग्र आंदोलन किया जाएगा और ये हम लोगों का एक हक है जो चलता रहा और 2004 के बाद सरकार ने इस पर जो कुठाराघात किया है, कर्मचारी बहुत व्यथित है। देश का एक ऐसा केवल राज्य पश्चिम बंगाल है जहां पुरानी पेंशन मिल रही है, वहां नई पेंशन योजना लागू ही नहीं की गई। तो एक देश एक कानून होना चाहिए, लोग कहते हैं एक देश एक कानून, एक संविधान है हमारे देश में, फिर उस राज्य में कैसे पुरानी पेंशन दी जा रही है और अन्य राज्यों में पुरानी पेंशन बंद कर दी गई है। क्या नाम है, नाम क्या लिखते? मेरा नाम रामबली सिंह है, मैं ये पुरानी पेंशन बहाली का ब्लॉक अध्यक्ष हूँ और हमारे सभी सहयोगी भाई हैं, हमारे सचिव हैं, कोषाध्यक्ष हैं और अन्य हमारे जो संयुक्त मोर्चा के संगठन बने हुए हैं वो भी हमारे साथ हैं और सबके सहयोग से ये हम लोगों का प्रण संकल्प है कि जो अपने बुढ़ापे का सहारा है पेंशन, वो हम लोग लेकर रहेंगे, चाहे सरकार 2022 में दे, चाहे 23 में दे और चाहे 24 में दे, देना पड़ेगा। क्योंकि सरकार हम लोगों के बुढ़ापे का सहारा छीनती है तो निश्चित रूप से हम लोग भी सरकार के नीतियों के खिलाफ ही रहेंगे। जो हम लोगों को नहीं सोच सकते उनके लिए हम क्यों सोचें, तो मैं तो यही कहना चाहता हूं, आज सीएम महोदय को ज्ञापन दिया हूं कि ठीक ये अवगत कराया जाए और ठीक। निश्चित रूप से आने वाले समय में हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे और इसका नतीजा आने वाले समयों में काफ़ी सरकार के लिए काफ़ी मुश्किल भरा होगा, क्योंकि हमारे शिक्षा विभाग के ही तो 4 लाख कर्मचारी हैं, 4.5 लाख, तो ये जब कर्मचारी 4 लाख कर्मचारी का 4 लाख परिवार होगा और ये जब उनका सहारा छूटेगा तो निश्चित रूप से वो आंदोलन में होंगे, उनके विरोध में होंगे। हम यही कहना चाहते हैं, सरकार से अपेक्षा रखते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार भी हम लोगों की पुरानी पेंशन बहाली के लिए निश्चित रूप से संकल्पित होकर कार्य करे और हम लोग भी मना स्थिति के रूप में अपना काम कर सकें। आज आप लोग पहुँचे हैं रामपुर तहसील, किस उद्देश्य को लेकर ज्ञापन दिया? ये हम लोग अपनी 2004 के बाद जो सभी कर्मचारी नियुक्त हुए हैं और उनकी पेंशन बंद कर दी गई है, न्यू पेंशन स्कीम के तहत हम लोगों को
इसमें सम्मिलित किया गया है, जो हमारे लिए उपयोगी नहीं है और हम कर्मचारियों के लिए हितैषी भी नहीं है। हमारी पुरानी पेंशन को सरकार बहाल करे। नई पेंशन के चलते हमारे सभी कर्मचारी साथी प्रभावित हो रहे हैं और उन्हें बुढ़ापे का कोई सहारा नहीं रह गया है। रिटायरमेंट के बाद उन्हें बहुत ही कम पेंशन, 1000 से लगभग 2000 के बीच पेंशन अभी तक जो साथी हमारे रिटायरमेंट हुए हैं उनको प्राप्त हो रही है, जिससे उनका जो बुढ़ापे का खर्चा है भरण पोषण नहीं चल पा रहा है और हमेशा दिक्कत बनी रहती है। हम सब कर्मचारी एक स्वर में ये मांग करते हैं कि सरकार हमारी पुरानी पेंशन को पुनः बहाल करे और नई पेंशन को बंद करे, अन्यथा हम लोग इस बात को लेकर कभी आगामी समय में उग्र आंदोलन कर सकते हैं। इसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी, कर्मचारी जिम्मेदार।